हम यहाँ पे हमारे को कॉल आया था कि एक चारा बछड़ा जो है गाय का, वो 3 दिन से यहाँ किसी खाई में गिर गया है, तो उसका रेस्क्यू करने आए हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे जेसीबी नहीं जा सकती क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह है, गली बहुत छोटी है, तो हम तंग गली से निकल के यहाँ पे चट्टानों के पास आए हैं जहाँ पे वो बेचारा 3 दिन से अटका हुआ है। वो नीचे गिर गया, उससे खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि उसकी टांगें टूट गई हैं। अब उसको लाना कैसे है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो हम वो साइट पे जा रहे हैं कि उसको निकालने का प्रबंध कैसे करें। ये जो हम रेस्क्यू करने आए हैं, ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है क्योंकि नीचे जाने तक का रास्ता नहीं है। जहाँ पे बछड़ा फंसा हुआ है वो 20 फीट जो है वो नीचे गिर गया, उसका पैर फिसल गया या पानी पीने आया वो हमको नहीं पता। बस उसको निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा टास्क है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टीम चाहिए क्योंकि यहाँ पे जेसीबी नहीं आ सकती, कोई क्रेन नहीं मंगा सकते उसको लिफ्ट करने के लिए। नीचे जाना बहुत मुश्किल है, आप दिखाओ कितना संकरा रास्ता है। यहाँ से हम नीचे कैसे जाएंगे, अपनी टीम अरेंज करनी पड़ेगी हमारे को जो नीचे जाके उसको खाई में से निकाले। हम बच्चों की पोजीशन आपको ऊपर से बता देते हैं। आगे मत जाना, वो जो बछड़ा है देखो कि लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ से 20 फीट की जो कम से कम 50 फीट है, कम से कम 50 फीट है, 20 ज़्यादा है। चल फिर यहाँ से कम 40 से 50 फीट वो नीचे जाके गिर गया, उसकी टांगे भी टूट गई हैं बेचारे की। वो उसी जगह पे 3 दिन से बैठा है, 3 दिन से बैठा है। इसको निकालना बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, चुनौती है, पर हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम जितनी भी सारी टीम इकट्ठी करके पूरी कोशिश करके पूरे जी जान से इस बछड़े को जो है वो लिफ्ट करेंगे। इसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, चेन कुप्पी चाहिए, रस्सियाँ चाहिए, लोग चाहिए, क्योंकि बछड़े जो होते हैं भारी हैं, तकरीबन उसको लिफ्ट करके ऊपर खींचना पड़ेगा। तो ये 2-4 बंदों का काम नहीं है, इससे 10 से 15 बंदे जो हैं मिलके हम इसका रेस्क्यू करेंगे। उसको खाने के लिए हम अभी नीचे उसको पट्टे डाल दिए हैं, खाना पहुंचा देंगे ताकि वो जो है आज का दिन गुजार ले, क्योंकि शाम होने वाली है यहाँ पे इस वक्त। तो कल ये अरेंजमेंट जो है वो कल हो पाएगा, तब तक हम इसको इंजेक्शन दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, इसके खाने का इंतज़ाम कर देंगे। अगर इसको कहीं चोट लगी है, पेन ना हो, तो उसके लिए पेन किलर, एंटीबायोटिक और खाना रख देंगे ताकि ये बेचारा आज का जो दिन है ये निकाल ले। कल इसको रेस्क्यू करके लेके जाएंगे अपने शेल्टर में और फिर पता चलेगा कि इसको बेचारे को चोट कहाँ लगी है, इसकी टांगें सलामत है या नहीं, क्योंकि टांगें इसकी टूट चुकी हैं। तभी वो उसी जगह पर उसी पोजीशन पर बैठा है, खड़ा नहीं हो पा रहा। 3 दिन से ये यहीं पे अटका है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कोशिश करी पर इसको वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि निकालना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है जो कंप्लीट करना है। हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमने अपना एक टीम मेंबर भेजा है नीचे ताकि उस बच्चे को चेक करे कि उसको कहाँ लगी है कहाँ नहीं। उन्होंने उठा लिया है, आप देखो कि कितनी मेहनत का काम और कितना डेंजरस रेस्क्यू है ये। तो वो जो है वो लेके आ रहे हैं हमारे टीम मेंबर, क्योंकि बछड़े को यहाँ छोड़ना ऑलरेडी 3 दिन से यहीं पड़ा था तो यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। तो इसका मेडिकल जो है वो चेकअप किया जाएगा, टांगे टूट चुकी हैं इसीलिए वो बैठा हुआ है। तो वो लेके आ रहे हैं बछड़े को। कई बार जो है वो इतने ख़तरनाक मुश्किल रेस्क्यू जो है वो करने पड़ते हैं। पटा गाड़ी में पड़ा बैग में, तो आप देखो कि कितना मुश्किल रेस्क्यू है जो हमारी टीम जो करके लाई है, क्योंकि ये भी कमिटेड है, जैसे हम सब कमिटेड है, हमारी पूरी टीम कमिटेड है एक बेजुबान को बचाने के लिए। आप कितना मुश्किल रेस्क्यू था, कोई रास्ता नहीं है, संकरा रास्ता, ऊपर से इसका
भार भी ज़्यादा होता है इन बच्चों का, तो उसको बेचारे को क्योंकि उसकी टांगें टूट चुकी हैं, वो खुद से अपने शरीर अपनी बॉडी छोड़ चुका है, घबराया हुआ है 3 दिन से, ऑब्वियसली घबराया होगा, ना कुछ खाने को ना पीने को। तो बेचारों ने जिन्होंने देखा तो उन्होंने हमारे को मदद करने के लिए बुलाया, तो हम भी इमीडिएट वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे उसको, तो अब हम इसको छोड़ नहीं सकते थे। पहले हमने सोचा कि हम कल रेस्क्यू करते हैं, पर जब बच्चे की कंडीशन देखी कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, डिहाइड्रेटेड हो चुका है बच्चा, तो अगर हम छोड़ते तो उसकी रिस्क थी उसकी ज़िंदगी को, तो इसलिए हमने फैसला करा कि हम इसको लेके आएंगे जैसे मर्जी, अभी इसको निकालेंगे। तो हमने बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से हमने इस बछड़े को यहाँ तक ले आए हैं, अब यहाँ पे रस्सी डाल के जो है इस बछड़े को ऊपर लेके आएंगे और फिर इसको शेल्टर लेके जाया जाएगा, जहाँ पे इस बच्चे का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो सके और इसको एक नई ज़िंदगी जो है वो दें। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि उस चैनल से जो भी हमारे को अर्निंग हो, क्योंकि अभी हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो जितने ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे इसमें से जो भी इनकम आएगी, जो भी पैसा जनरेट होगा, वो सब इन बेजुबानों पर खर्च होगा, हमारे भी हमारा हौसला बढ़ता है इससे जब आप सब लोग सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ हमारे काम को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने ये जो पटा है लपेट दिया है उसके, उसमें इसकी टांगें बांध दी हैं, ये यहाँ से ऊपर से खींचेगा, वो नीचे से ज़ोर लगाएंगे तो ये जो उसका रास्ता है वो क्लियर करके इसको ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। आगे छोटू चलो, एक तो ये जो है वो बच्चा जो है बछड़ा हमने निकाल लिया, चूल्हा टूट गया पर ये इन चेन कुप्पी ना खड़े करेंगे, होएगा ठीक? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पीछे देखो कितने चला ली होगी, छोटी ठीक हो जाएगा, अब देखते हैं वहाँ पे लेके जाके देखते हैं क्या के खाना पीना, खूब जोर लग जान लगा आएगा तो खूब खावड़ा है। हम अपने लोग कल भी उठाने दी करंडे सी, हम इसको मैन्युअली लिफ्ट करके ऑटो वाली जगह तक लेके जा रहे हैं ताकि इसको शेल्टर पहुंचाया जाए। आप देखो कि कितना मुश्किल टास्क और मुश्किल रेस्क्यू था जो मैन्युअली करना पड़ता है कभी कभी, तो हम इसको जो है गोदी में उठा के ये सारा रास्ता क्लियर करेंगे, जहाँ पे ऑटो खड़ा है वहाँ तक जाएंगे। मैनुअली नीचे से ऊपर लेके आए हैं, सांस फूल गई है, जिन बेचारों ने उठाया इसको उठा के लेके आई है हमारी टीम, उनका भी यही हाल हुआ, पर लास्ट बहुत अच्छी बात है कि इसकी जान हम बचा सके, हमारे पूरे टीम मेंबर्स की एफर्ट ने एक और ज़िंदगी बचाई। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे ऐसे अच्छे काम के लिए, ताकि हम और अच्छा काम करें, इनकी ज़िंदगियाँ आसान करें। बेचारे को बहुत, क्योंकि 3 दिन से वही भूखा प्यासा था, पहले पानी दिया है क्योंकि पानी की डिहाइड्रेशन ना हो बच्चे को, तो ये बछड़ा जो है पानी पी रहा है। तो देखो कितनी हम जैसे प्यासे होते हैं, हम मांग के कैसे भी करके पी लेते हैं, ये बेचारों की प्रॉब्लम जो है हमको ही समझनी है, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इनको।